नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। चंबा की नैसी प्रदेश अंडर 23 क्रिकेट टीम के शिविर के लिए चयनित परिजनों में खुशी का माहौल। प्रदेश की महिला क्रिकेट टीम के लिए आयोजित शिविर के लिए चंबा की नैसी चयनित हुई हैं। नैसी अंडर 23 आयु वर्ग की हिमाचल की महिला क्रिकेट टीम के लिए आयोजित शिविर में पसीना बहेंगी। इससे पहले नैसी हिमाचल की वरिष्ठ टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, वह प्रदेश की अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। वहीं नैंसी मूल रूप से जिला चंबा के छतराड़ी की रहने वाली हैं। नैंसी का चयन हिमाचल प्रदेश की टीम के लिए आयोजित शिविर में होने से जिला चंबा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दारचा सरचू ग्राफू लोसर और दारचा शिंकुला सड़क कल से बंद। दारचा से सरचू ग्राफू लोसर और दारचा शिंकुला सड़क पर सोमवार से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यह सड़कें गर्मियों तक वाहनों के लिए बंद रहेंगी। लाहौर स्पीति प्रशासन ने 3 दिन पहले ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद करने के आदेश जारी किए थे। वहीं कल से वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से थम जाएगी। बता दें कि पहाड़ों पर ठंड बढ़ने के साथ ही कुंजुम दर्रा, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में सड़क पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। ऐसे में सफ़र करना जोखिम भरा हो गया है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि तीनों सड़कें 20 नवंबर से 2024 तक बंद रहेंगी। प्रशासन ने पर्यटकों समेत आम लोगों से सड़कों पर आवाजाही न करने की अपील की है। ड्रीम इलेवन कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ियों को देगा प्रशिक्षण, 30 को होंगे ट्रायल। ड्रीम इलेवन फाउंडेशन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत कुश्ती में 6 पुरुष और कबड्डी के 14 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देगी। कुश्ती के लिए चांदपुर और कबड्डी के लिए हरनोडा में खिलाड़ियों को आवासीय सुविधा दी जाएगी। खिलाड़ियों के चयन के लिए 30 नवंबर को बिलासपुर में ट्रायल होंगे। बीसीसीआई चयन कमेटी के सदस्य और बिलासपुर क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव विशाल जगोता ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि खिलाड़ियों को मंच दिया जा रहा है। लुहणू घाट से मंडी भराड़ी तक शुरू होंगी जल क्रीड़ाएँ, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। गोविंद सागर झील बिलासपुर के लुहणू घाट से मंडी भराड़ी तक जल क्रीड़ा गतिविधियां शुरू की जाएंगी। सरकार की ओर से लुहणू घाट से मंडी भराड़ी तक साइट को नोटिफाई किया है। शीघ्र ही साइट पर मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा पानी पर तैरते नजर आएंगे। इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर दौरे के दौरान साइट नोटिफाई करने की घोषणा की थी। अब लोग यहां पर निवेश करना शुरू करेंगे, इसमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा प्रशासन और सरकार की ओर से भी अपने स्तर पर भी गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, फैसले लेकर वापस लेना कांग्रेस की पुरानी आदत, पहले भी कई बार कर चुकी है ऐसा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार में परस्पर कोई तालमेल नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, बिना प्लानिंग और सोच विचार के बातें करना, फैसले लेना और फिर फैसले को वापस ले लेना कांग्रेस की परंपरा रही है। पिछले कल राज्य सरकार ने दोपहर को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि पटवारी और कानूनगो अब से राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे। ठाकुर ने कहा कि इस नोटिफिकेशन पर संबंधित कर्मचारियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद सरकार की तरफ से दूसरा नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसने पहले नोटिफिकेशन को ही खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार ने जो फैसले लिए हो उसे बाद में वापस नहीं लेने पड़े हों। बस ज़्यादातर फैसलों में सरकार की किरकिरी होती है और आम प्रदेशवासी परेशान होते हैं। बिलासपुर के घुमारवी में चर्च की खेप के साथ कांगड़ा का युवक गिरफ्तार। बिलासपुर जिला के तहत घुमारवी पुलिस ने बलोहर टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान एक युवक को 703 ग्राम चर्च के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घुमारवी पुलिस को सूचना मिली थी कि मंडी कुल्लू की तरफ से चर्च लाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बलोहर नामक स्थान पर स्थित टोल प्लाजा के पास नाका लगाया।
वहीं इसी दौरान एक वोल्वो बस मंडी की तरफ से आई, जिसे जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान बस की एक सीट पर बैठे युवक के पिट्ठू बैग से 703 ग्राम चरस बरामद हुई। वहीं पुलिस ने मौके पर गवाहों के समक्ष कार्रवाई करने के बाद आरोपी संभव सिंह पुत्र भवानी सिंह निवासी गाँव बरीमाल तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा को NDPS एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल बोले, प्रदेश सरकार जल्द करेगी 700 नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती करने जा रही है, जिससे PHC में इनकी कमी पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। यह बात उन्होंने रविवार यानी आज न्यू शिमला सेक्टर 4 में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC भवन का लोकार्पण करने के बाद अपने संबोधन में कही। आपातकाल के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए MCO रेडियो को बढ़ावा देने की तैयारी में सरकार। प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश अति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है। भूकंप, बाढ़ अथवा भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की संचार प्रणाली भी प्रभावित होती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। इन्हीं बाधाओं से पार पाने तथा संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा शोकिया रेडियो को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। हिमाचल प्रदेश में दूरदराज के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां आमतौर पर मानसून, बर्फबारी या किसी भी विपरीत मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य क्षेत्र से संपर्क कट जाते हैं। ऐसे कई ब्लैकआउट जोन भी राज्य में हैं जहां संचार की सुलभ सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी आपातकालीन संचार चलन के वैकल्पिक माध्यम विकसित करने की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर 2 वर्ष बाद मिली पदोन्नति या पोस्टिंग ऑर्डर स्थगित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 2 वर्ष बाद 19 कर्मचारियों को तहसील वेलफेयर ऑफिसर के पदों पर पदोन्नति दी गई है। बीते 31 अक्टूबर को इनके पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें स्टेशन नहीं दिए गए। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को मुख्यालयों में ज्वाइनिंग देने को कहा गया था। हिमाचल में भर्ती होंगे 2061 वन मित्र, भर्ती प्रक्रिया 30 से होगी शुरू। हिमाचल में वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। सरकार वन विभाग में 2061 वन मित्र भर्ती कर रही है। भर्ती के लिए वन विभाग की वेबसाइट या फिर संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंज ऑफिसर कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि वन मित्र के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। वन मित्रों के लिए 100 अंकों का टेस्ट होगा, जो टॉपर होगा उसे वन मित्र लगाया जाएगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। वन मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय और सरकारी छुट्टियों के अलावा साल में 12 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। तो ये हैं दिन भर के प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।